हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजय प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने वर्ग एवं वर्गमूल कंप्लीट कराया है। उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट कराया है घातांक एवं करणी, उसके बाद सरलीकरण, आज ये चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद एवं गुणनखंड। ठीक है, यकीन मानिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की क्लास में मैं इसका ये पार्ट 1 लेकर आया हूँ, इसके 2-3 पार्ट बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक यहाँ पर बताया जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हैं जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 100x100 की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि मैथ में आपके 50 में 50 नंबर की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। और इसके लिए प्राइस कितना है, मात्र 80 रुपये है, 80 रुपये आपको देना है इसके लिए, और ये प्राइस आगे चल के बढ़ भी सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको 80 रुपये ही व्हाट्सएप ग्रुप पेड क्लास में देना है, और जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वो ही इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर आपको PDF दिया जाता है। और इसमें वही बच्चे जुड़ें जो इच्छुक हैं, जो अपने मैथ में 50 में 50 लाना चाहते हैं, वही स्टूडेंट्स इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, है ना। तो जाइए फटाफट से, और आपको जाना है और 80 रुपये पे करना है और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। फटाफट जाइए, पे कीजिए और जुड़ जाइए। ये ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर, तो ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है साहब और गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक आता है बहुपद है क्या। तो यहाँ पर हम बेसिक से चले हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे बेसिक से। एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जिसकी घाते पूर्णांक में होती है। घातों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेत। पहला होता है रैखिक, जिसका 1 होता है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसमें 2 घात हो, जिसमें तीसरा होता है 3 घात बहुपद, जिसमें 3 घात होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ भाई। इसका एग्जांपल देखिए, x+2 ये रैखिक है, x² + 2x ये हमारा द्विघात बहुपद है, और तीसरा आप देख रहे हैं x³ + 3x², इसमें 3 घात है, दैट इज कॉल्ड त्रिघात बहुपद। इस तरीके से इसका ये फार्मूला होता है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो ही सीखना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बहुपद के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट तक देखना, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। विदिन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण व्यंजक x² + 5x + 3 तथा x³ + √5x - √6 एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक्स का पूर्णांक है। और हमारे पास ये देखिए ध्यान से, x² - x√ के अंदर x+1 बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे पद में x का एक भिन्नात्मक स्वरूप है। देखो, जब भी भिन्नात्मक स्वरूप होता है x के कोऑर्डिनेट्स के रूप में, देन वो आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना, अब होता कब है, जो मैंने आपको समझा दिया कि बहुपद कब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साहब, फैक्टर क्या होते हैं? मैं बार बार आपको बोलता हूँ, फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर कीजिए, आखिर ये फैक्टर है क्या। आइए समझते हैं बेसिक से एडवांस तक। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, दिए हुए व्यंजक को 2 या 2 से अधिक सरलतम व्यंजकों अथवा खंडों में गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, तो इससे प्रत्येक व्यंजक अथवा खंड के मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। मूल व्यंजक होता है जो, उसको हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए x³ का यहाँ एग्जांपल दिया गया है, x × x × मैं 3 बार लिखता हूँ। इसी तरह से मैंने इसके फैक्टराइज कर दिए, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से 9 × x³, 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ, और ये मेरे ज्यों करती हूँ मैंने ऐसा उतार दिया एज इट्स। जिस तरह 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 है, मतलब 2 × 2 × 3, 2 की पावर 3 है इस तरीके से,
छः का दोगुना तीन है। उसी प्रकार बहुपदों को भी न्यूनतम सरल व्यंजकों में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ से हम आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2021 में आने वाले हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम बता दूँ 2020 में भी आए थे, 19 में भी आए थे। मतलब टाइप ए ही रहेगा, इसमें बदल सकता है वो, यहाँ 5 कर सकता है, -5 कर सकता है, इक्वेशन चेंज कर सकता है, बिल्कुल टाइप इसी प्रकार का रहेगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बताऊँ, जैसे जो हमारा व्यंजक दे रखा है इसमें हम -2 बराबर 0 रखेंगे। अगर प्लस है तो m बराबर हमारा -2 निकल के आएगा, या माइनस है तो m की वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 2। अब दो वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन में, और बराबर 0 रख के, तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा ना, वो हमारा k का ओरिजिनल वैल्यू होगा। तो मैंने इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए, क्योंकि m -2 व्यंजक का गुणनखंड है, तब व्यंजक में m बराबर 2 रखने पर संतुष्ट करेगा इसके लिए, देन हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 का वर्ग 4 मैंने यहाँ रख दिया, 5 गुणे 10 बराबर हमारा हो जाएगा 10 - 4 = 6 निकल के आ रहा है। इस प्रकार के बराबर 6 इसका एक गुणनखंड है, तो इस तरीके से यहाँ पर के की वैल्यू 6 निकल के जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। अगला क्वेश्चन गुणनखंड से आया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया था, और ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कह रहा है (x^3 + 1/(x^3 - 5x - 5/x) के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाई, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज मीन्स (x + 1/(x), जो कि मैंने (a^3 + b^3) का यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ, तो 1 x + 1/(x). देन आपको क्या करना है, इसमें फार्मूला लगाना है। तो मैंने (a+b)(a²) + (b²) - (a×v), तो मैंने वही फार्मूला यहाँ पुट कर दिया (a^3 + b^3) का। अब यहाँ पर हमारा माइनस का 5 था, तो मैंने -5 यहाँ से कॉमन कर लिया, यहाँ से बचेगा (x + 1/(x)। अब हमें क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन लेने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, (x + 1/(x) को यहाँ पर कॉमन कर लिया, देन हमारे पास क्या बचेगा, (s²) + (1/(s²) - 5 और -1, यानी कि हमारे पास बच गया क्या, -6। अब इस -6 को मैं -2 लिख सकता हूँ और -4 लिख सकता हूँ। देन मैंने क्या किया, इस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से ही रखा, -2 और -4 को मैंने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। अब मैंने क्या किया साहब, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो मेरी बात के लिए, ये जो कंडीशन हमारा बन रहा है ना, ये बन रहा है (x - 1)² ठीक है, ये हमारा (x - 1)² हो गया, ये हमारा बन गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें इसको प्रूफ में लिख लेना है, यानी कि (x + 1/(x)(1 - 1)(x+2) - (1 - 1)(x - 2). देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है हमारे पास, ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन दिया गया है। यदि (y+3) से व्यंजक (5y³ + 5y²) - (6y - 9) पूर्णतः विभाजित है, तो हमें इसका शेषफल बताना है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जैसे (y+3), तो (y+3) = आप 0 रखोगे, देन y की वैल्यू क्या निकालोगे, -3, और वो -3 आप इस वाली क्वेश्चन में रखोगे, देन जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही इक्वेंस मैंने यहाँ पर कर दिया है, (y = -3) मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, तो 5 - -3 का पावर 3 + 5 - -3 का स्क्वायर - 6 - -3 - 9 ठीक है ना जी, -(-27 + 45) इस तरीके से आप इसको ऐड करोगे, देन हमारे पास 81 निकल के जाएगी वैल्यू, -81, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब,
बिल्कुल एज इट उसी टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आप इसको लिख के ले लीजिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। टाइप ये होगा, नंबर चेंज कर सकता है एग्जामिनर। देखिए, जब एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फोर में एक्स माइनस टू से भाग दिया जाता है तो शेषफल के प्राप्त होता है, के का मान बताइए। ये शेषफल का क्वेश्चन दे दिया। मैं डिफरेंस मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उस चीज़ को आप जीरो मान लो। अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी दो निकल के आ रही है, अब दो वैल्यू को मैं क्या करूँगा, जो पी एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसमें मैं पुट करने वाला हूँ। देन मैंने क्या किया, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने वैल्यूज़ को जैसे यहाँ पुट कर दिया है तो इस तरीके से हमारे पास निकल के वैल्यू क्या आ जाएगा, दो दो का क्यूब प्लस थ्री इंटू दो का स्क्वायर माइनस के इंटू टू प्लस फोर। अब भाई यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, ये दो मैंने यहाँ पुट किया है इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो k बराबर क्या निकल के आ जाएगा, इस k को आप लोग क्या करोगे, यहाँ भी हमारे पास k चल रहा है और यहाँ भी हमारे पास k है, तो आपके पास हो जाएगा एट प्लस ट्वेल्व माइनस टू के प्लस फोर, इसको उठा के दल जाओ थ्री के, तो चौबीस डिवाइडेड बाई थ्री, तीन अट्ठे के चौबीस, इस तरीके से यहाँ पर आठ आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का है, ये गोल्डन खंड वाला है, इसमें हम जीरो के इक्वल रखेंगे। यदि एक्स प्लस सिक्स एक फलन दे रखा है, एक्स प्लस सिक्स का एक फलन है, तो एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो मानोगे, एक्स बराबर हमारा माइनस सिक्स निकल के आ जाएगा। अब माइनस सिक्स निकल के आया, वो माइनस सिक्स मैं इस इक्वेशन में फाइंड आउट करूँगा, देन हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो मैंने यहाँ पर माइनस सिक्स यहाँ पर पुट कर दिया है। माइनस सिक्स की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री द सिक्स की पावर माइनस स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस का सिक्स प्लस पी, हमें चाहिए पी की वैल्यूज़, मैं बताया था इसको बराबर जीरो रखते हैं, देन आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 216, जो कि छः का क्यूब होता है वो 216 होता है, माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 108 और माइनस का 24 प्लस पी। अब भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे पास पी की वैल्यू 132 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन 100% सिक्योर है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास गुणन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, गुणन हमें बताना था इसका, पॉलिटेक्निक 2011 में आया था भाई। क्वेश्चन में हमें दे रखा था इसकी क्यू प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का हमें गुणनखंड करना है, गुणन मतलब गुणनखंड का इसको करना है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया है भाई। यहाँ से आप क्या करोगे, इस कंडीशन से यहाँ से इतने में से हम लोग यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे, देन हमारे पास एक्स कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, यहाँ से मैं तीन कॉमन कर लूँगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप ए को लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2010 में आया हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम अपना दिमाग में मान लेते हैं। करना क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, अब इस संख्या को मैं पलट दूंगा, देन हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब इसको आप बाई मान लेना, जैसे मैंने यहाँ पर माना है, इसको बाई मानने के पश्चात हमारे पास कंडीशन निकल के क्या आ जाएगा, बाई प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई पर बाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन बाई इज इक्वल टू 13/6, कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन हमारे पास निकल के आ जाएगा 6y² + 6 इज इक्वल टू 30y। अब भाई इसको मैं उठा के दे ले जाऊँगा, 75 कर दूंगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6y² - 13y + 6 इज इक्वल टू 0। अब भाई आपको करना क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में कि 6y² - अब मैं इसके फैक्टर कर दूंगा, 9 6 6 36, तो 9 4 36 जोड़ेंगे हम लोग, 9 + 4 9 4 36 गुणा कर रहे हैं तो हमारा 36 निकल के आ रहा है। तो फैक्टर करना आपको ऑलरेडी सिखा दिया है मैंने, तो 6y² - 9y - 14 + 6 - 4y
प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो, भाई इसके फैक्टर कर लेना। यहाँ से तीन बाई कॉमन ले लिया मैंने, इतने में से देन हमारे पास टू बाई माइनस थ्री बच गया। यहाँ से दो कॉमन ले लिए, दैट इज टू बाई माइनस थ्री। इस तरीके से हमारा टू बाई माइनस थ्री अलग हो गया और थ्री बाई माइनस टू इजिकल टू हमारे पास कॉमन बन के आ गया। अब जब हमारे पास वाई की वैल्यू तीन बटा का दो क्वेश्चन में गिविन है तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है एक्स की। भाई करना क्या है, दोनों ओर वर्ग कर दूंगा मैं, मैंने दोनों ओर इसका वर्ग कर दिया। यहाँ पर वर्ग करूँ तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स निकल के आ जाएगा और एक्स अपॉन वन माइनस एक्स बराबर नौ बटे के चार। अब इसमें से भाई नौ बटे के चार हो जाएगा, इसमें से आपका करो इस चीज़ को उठा के ले जाना, तो नौ चार तेरह हो गया, तेरह तेरह एक्स बराबर नौ, एक्स की वैल्यू नौ बटे के तेरह आ रहा है एक। तो अब भाई आपको कौन सा वैल्यू लगाना है, हमें चाहिए भाई एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक नौ बटे तेरह आ रहा है। अब वाई बराबर जब दो बटा तीन हो तो मैं फिर से इसका वर्ग कर दूंगा, फिर से मैंने इसका वर्ग कर दिया वाई की वैल्यू दो बटा तीन लगा के। अब मैंने इसका वर्ग किया, देन हमारे पास एक्स की वैल्यू चार बटे के तेरह निकल के आ गई। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। मान लेते नौ बटे तेरह देता तो आपका नौ बटे तेरह ऑप्शन हो जाता, यहाँ पर दिया चार बटे तेरह तो चार बटे तेरह भी हो सकता है। इस तरीके से इसका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब, अगला क्वेश्चन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। एक्स माइनस वाई की पावर थ्री प्लस वाई माइनस जेड की पावर थ्री प्लस जेड माइनस एक्स की पावर थ्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना होता है, भाई जब भी इस तरीके के ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब वाले क्वेश्चन दे रखे हों, देन आपको क्या करना है, अपने आँखें को बंद कर लेना है। आँखें बंद करके जो भी इक्वेशन इधर होगी वो डेट इज़ ए डेट इज़ बी डेट इज़ सी, जो क्वेश्चन होगी वो N2 में लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से मैंने ट्रिक बताई, इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए समझते हैं बेसिक क्या है इसका। बेसिक इसका ये है, मान लो इसके हम स्क्वायर्स को डिफ्रेंटिफाई कर दें, देन हमारा ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी, हमारा जीरो इक्वल लेकर के आ जाएगा। अब मैंने बताया था आपको ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक होता है थ्री इंटू, जब भी तीन कंडीशन दे रखा हूँ वो हमारा वैल्यू जीरो के इक्वल रहे, देन इसी प्रकार की ट्रिक लगाते हैं, थ्री इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गोल्डन खंड से आया हुआ था और इकीर मानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके हमें गोल्डन खंड करके बताना है। तो गोल्डन खंड कैसे करते हैं भाई, हमें थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज़ करना है, गोल्डन खंड टफ नहीं है। देखिए इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, एस की पावर थ्री, यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो मैंने कॉमन ले लिया। इस वाले में से मैं करूँगा वाई की पावर थ्री कॉमन ले लूँगा, इस वाले में जेड की पावर थ्री कॉमन ले लूँगा, देन हमारे पास टोटली एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन सॉरी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई फाइनली यहाँ पर आ रहा है। एक्स प्लस वाई एस की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आप इसको सिंपल तरीके से गोल्डन खंड कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यदि एक्स की पावर फोर माइनस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू का गोल्डन खंड एस स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो तो पी और क्यू के मान हमें फाइंड आउट करने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें बताना है। भाई जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए देन आपको करना क्या है, देखिए एस स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स की पावर फोर माइनस पी एस का ये गोल्डन खंड है, देन अब मैं इसका गोल्डन खंड करूँगा इस चीज़ का। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास एक्स बराबर दो मैं रख के देखूँगा, तो सबसे पहले मैंने एक्स बराबर दो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ये वाली में, तो मैंने इस वाली इक्वेशन में दो की दो रख दिया, इस तरीके से दो की पावर फोर हो जाएगा। और इधर देखिए ध्यान से, माइनस पी इंटू टू का स्क्वायर प्लस क्यू इजिकल टू जीरो, तो फोर फोर पी माइनस क्यू इजिकल टू सोलह, ये हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आ गया। इसी प्रकार से मैं एक्स बराबर इसमें बन रखूँगा, देन हमारे पास इस तरीके से ये पी माइनस क्यू इजिकल टू वन निकल के आ जाएगा। भाई समीकरण एक और दो को हल कर लेना, आपकी जो फाइनली आंसर निकल के आ जाएंगे पी इजिकल टू फाइव क्यू इजिकल टू फोर, फाइव और फोर, देखेंगे कौन सा पी इजिकल टू फाइव और क्यू इजिकल टू फोर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर माय डियर फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा सी वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ सी पुट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है,
बिल्कुल इसी टाइप का है, हमें के और एम के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। भाई देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है उसकी मैं तुलना करा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, 2x² प्लस 5y प्लस माइनस का 4, दोनों की मैंने तुलना करा दी, दोनों समीकरण हैं उन दोनों का मैंने तुलना कराया, देन हमारे पास बचेगा 2x² प्लस 5xy प्लस माइनस का 4 प्लस m इंटू एक्स इंटू में रहेगा माइनस का 6 प्लस m इंटू वाई प्लस 3y² माइनस 2m। इस तरीके से मैंने इसकी तुलना कराई। इस तरीके से आप देखना ध्यान से, तुलना करने के पास आपको मिल क्या रहा है, तुलना कराओगे तो ध्यान से देखने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 10 बराबर 2m। इस तरीके से इससे काट देंगे हम लोग तो m बराबर कितना निकल के आ गया, 5। चलो m की वैल्यू तो 5 निकल के आ गई, अब k की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि k बराबर माइनस का 6 प्लस 5 देन m की सॉरी k बराबर माइनस 6 प्लस m, m के स्थान पे मैंने 5 रख दिया, जैसा कि आपकी वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, इसी प्रकार से हमारा k की वैल्यू माइनस बन निकल के आ गया। तो m बराबर 5, k बराबर माइनस का 1, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। m बराबर 5 और k इक्वल्स टू माइनस का 1, m बराबर 5 k इक्वल्स टू माइनस का 1, एम बराबर 5 के इक्वल्स टू माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। इस तरीके से यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है इसके हमें गुणनखंड करके बताना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए साहब, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो भाई आपको करना क्या है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, एस की पावर 4 माइनस 3x², भाई इसको मैंने गुणनखंड करना है, तो एस की पावर 4 और इस तरीके से 9 × 36, तो इस तरीके से मैंने उसी प्रकार के पैटर्न में इसको कन्वर्टेशन कर दिया, 9 × 36 इस तरीके से, तो x² माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, इस तरीके से मैं यहाँ पर x² कॉमन कर लूँगा, x² माइनस 9 माइनस का 4 यहाँ से x² माइनस 9, तो हमारे पास x² माइनस 9 तो बच ही रहा है और साथ में x² माइनस 4 बच रहा है क्योंकि मैंने इसका फैक्टराइज कर लिया, तो x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 2, x माइनस 2, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट। अगला जो क्वेश्चन आया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेस पल फिर मेगा क्वेश्चन है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार करके जाना। अब देखिए वाई बराबर हम इसमें क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास वाई माइनस 3 बराबर से विभाजित है तो वाई माइनस 3 बराबर आप 0 रखोगे, इस प्रकार से वाई की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 3, तो वही 3 यहाँ पर पुट करना है, तो मैंने उस कंडीशन को इक्वेशन में पुट कर दिया इस तरीके से, देन आपका आंसर निकल के आ जाएगा 39, 96 माइनस 57 आंसर निकल के आएगा 39। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पर पहला वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये 10वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो से दे दिया है, 6x² माइनस xy रेशियो 2xy माइनस y² रेशियो 1, तो x रेशियो 1 का मान बताइए, x y का वैल्यू बताइए, तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को भाई रेशियो में कन्वर्टेशन कर लिया, इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा रेशियो में इसको लिख देंगे और बाएं पक्ष में अंश बाहर में y² से भाग कर देंगे, जब y² से भाग करोगे देन आपके पास इस प्रकार की कंडीशन निकल के आ जाएगी, और जब मैं इसको इस तरीके से इसको डिवाइड करूंगा देन x/y² माइनस x/2 × x/-1 6/1, ठीक है ना, तो x/y = 1 मान, सॉरी a मान लेना। अब मैंने a को मान लिया, देन आप इसमें x² माइनस a/2a - 1 = 6/1। अब मैंने क्या किया भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारे पास जो निकल के आएगा इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो मैं 6 × 36, 9 × 36 वो वाले कंडीशन लगा दूंगा, देन हमारे पास फाइनली दोस्तों ये इक्वेशन बन जाएगा द्विघात समीकरण, तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा a/2/3 आ रहा है और हमारे पास 3/2 आ रहा है, तो x रेशियो y की जो रेशियो होगा वो 3:2 निकल के आ जाएगा,
तो देखेंगे इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 3:2 ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये हमारा गोल्डन खंड से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x²-y²-2xyz+x+y-z के गोल्डन खंड बताइए, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाई इसमें गोल्डन खंड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं ना, आपको करना क्या है, हमें x² को ऐसे रख लेना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इस चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमन कर दूंगा यहाँ से माइनस का बाई, तो मैंने माइनस का बाई यहाँ से कॉमन कर दिया, देन हमारे पास ये निकल के आ गया, इसमें से हमने माइनस का बाई कॉमन किया है, ध्यान से देखने वाली बातें हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ऐसे ही रहने दूंगा, इसको मैं ऐसा ही रहने दूंगा, तो इस तरीके से x² ये हमारा हो जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, और इस तरीके से x+y+z ये हमारा बन के आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये x+y-z है ना, a² ये आपका a² हो गया, ये आपका b² हो गया, इस प्रकार से a² - b² का जो फार्मूला होता है x+y यानी कि a+b a-b, तो x+y-z और x-y+z, ठीक है ना। और इस तरीके से आप इसमें क्या बचा, जो बचा वो यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, क्या x+y-z। अब इस तरीके से फाइनली दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x+y-z इंटू में x-y+z+1। तो फाइनली इसका ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, x+y-z x+y-z x-y+z तो फाइनली दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसमें बी वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सभी वीडियो प्रॉपर वे में मिल सके। और हाँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन करना है, अगर अपनी तैयारी अच्छे से करना है तो 80 रुपये पे कीजिए और 100 × 100 मार्क्स लाइए हमारे साथ पढ़ाई करके, ठीक है। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अभी मैं जस्ट वीडियो के एंडिंग के तुरंत पश्चात आपको ये वाला जो PDF है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।